आज हम क्लास 10 का एक VVI क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करें, जो कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्क का आता है, है ना, इसका बात करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है, वाला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण एक है, इसको बोल देना है। फिर y माइनस एक्स बराबर 4 इज इक्वल टू समीकरण 2, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक से, क्या समीकरण एक से, समीकरण एक से, है ना, समीकरण एक से, समीकरण एक से एक बार उतार लेते हैं, है ना। x प्लस वाई बराबर 10, इसमें आप x का भी मान कुछ रख सकते हैं अपना हिसाब से, या फिर y का मान। तो चलिए हम x का मान रखते हैं, है ना, x का मान 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, है ना। तो x का मान कितना, 0, 0 जोड़ y बराबर 10, तो y बराबर कितना हुआ, 10, है ना। इधर मान सारणी बनाना है, मान सारणी x लिखेंगे, y लिखेंगे, है ना। इसको मान सारणी 1 बोलेंगे, क्योंकि समीकरण 1 है, इसलिए इसको क्या बोलना है, मान सारणी 1, है ना। x का मान कितना रखें, 0, और y का मान कितना आया, 10, तो 10 लिख देना। इसी प्रकार फिर क्या, और एक मान कम से कम रखना है, है ना, दो को कम से कम मान निकालना है। तो x बराबर 0 रखें, अब दूसरा रखते हैं कुछ, x बराबर 1 रखने पर, तो x का बराबर कितना, 1 रख रहे हैं, x की जगह कितना रखना, 1, 1 जोड़ y बराबर 10, तो y बराबर क्या होगा, 10, ये प्लस 1 है, दाएं तरफ जाने से क्या होगा, माइनस 1, है ना। तो y बराबर कितना हो गया, 9, x का मान 1 रखें, y का मान कितना है, 9 लिख देना। अब समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 का इतना काम खत्म, अब समीकरण 2 से लिखना है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 एक बार उतार लेते हैं, y माइनस एक्स बराबर 4, है ना। इसमें भी x का मान रखते हैं कुछ, x बराबर 0 रखने पर, है ना। तो y माइनस 0 बराबर 4, तो देखिए y में 0 घटाएंगे, यानी क्या, कुछ घट सकता है नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, है ना। तो y बराबर कितना हो गया, 4, सब मान सारणी इधर 2 बनाना है, है ना, एक तरफ x लिखना है, एक तरफ y, है ना। इसको मान सारणी 2 लिखते हैं, मान सारणी 2, x का मान कितना रखें, 0, y का मान कितना आया, 4, है ना। और एक मान रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, तो y माइनस एक्स, एक्स का जगह कितना रखना है, 1, तो 1 रखते हैं, बराबर 4। तो देखिए माइनस 1 है, उधर दाएं तरफ जाने से क्या होगा, प्लस 1, तो प्लस 1 लिख दिए, है ना। तो y बराबर 4 और 1 कितना, 5, तो x का मान 1 रखें, तो y का मान कितना है, 5 लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या कार्तीय तल में दर्शाते हैं, है ना, ग्राफ में दर्शाते हैं। सबसे पहले एक x अक्ष खींचना है, है ना, x अक्ष, इसको x अक्ष बोलते हैं, है ना, इसको x डैश अक्ष, फिर एक y अक्ष खींचेंगे, है ना, y अक्ष, इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको y डैश अक्ष कहा जाता है, है ना। और इसको मूल बिंदु बोलते हैं, है ना। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो इसका कितना होता है दोस्तों, 0 0, है ना। यहाँ x का भी मान 0 होता है, वाई का भी मान 0 0, इसलिए इसको मूल बिंदु कहा जाता है। अब दाई ओर क्या होगा, प्लस में, है ना, तो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7, प्लस 8, प्लस 9, प्लस 10। अब बाई तरफ चलते हैं, माइनस में आएगा, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, क्योंकि माइनस में नहीं है मेरा ज़्यादा, देखिए, है ना, एक भी नहीं है, तो माइनस में जितना तक कुछ लिख दीजिए ना, है ना, माइनस वाला, माइनस 5 तक ले गए हम, और भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी बढ़ा सकते हैं, जितना अपना अनुमान लगाना है, यहाँ मेरा हाइस्ट कितना तक गया, देखना, है ना, एक्स मेरा कितना तक ज़्यादा से ज़्यादा गया, 1 तक गया, देखिए, और y का मान 10 तक ज़्यादा से ज़्यादा गया, तो 10 तक ले जाना है y अक्ष में, है ना। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक ले जाते हैं। इधर बाया तरफ क्या होगा, माइनस में, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, इसी तरह बढ़ते जाएगी। अब देखिए x का मान 0, y का 10, तो x का मान 0 कहाँ होता है, x का मान यहाँ 0, और y का 10 यहाँ हो गया, तो x का मान 0, y का 10 हो गया निर्देशांक। फिर x का मान 1, y का 9, तो x का मान 1 कहाँ होता है, x का मान x अक्ष में देखेंगे, x का मान 1 और y का 9, y अक्ष जाएंगे, 9 कहाँ होता है, इसी में होता है ना, तो x का 1, y का 9। अब इसको क्या करना, स्केल से लेके
मिला देना जहां जाके कटेगा, है ना। तो स्केल रखना है और मिला देना है ना, कट जाएगा कहीं में। फिर दूसरा मान सारणी, कुल मान सारणी एक को समीकरण एक है ना, उसको यहाँ उतार सकते हैं, x प्लस वाई बराबर टेन, समीकरण एक है तो समीकरण एक उतार दीजिए। अब समीकरण दो का मान सारणी से x का मान कितना है, जीरो, y का फोर, x का मान जीरो, y का फोर, फोर कहाँ होता है यहाँ, x का मान जीरो, y का फोर। अब दूसरा में क्या है, x का मान एक, y का फाइव, x का मान एक, y का फाइव, यहाँ होता है एक फाइव। इसको भी क्या स्केल से मिला देना है, सीधा जाके कट जाएगा कहीं पे, है ना। तो कटा कहाँ है ये देखिए, x का यहाँ थ्री के सीधा में कट रहा है ना, x का कितना हो रहा है थ्री और y का फोर, तो अभिष्ट अभिष्ट बिंदु भी लिख सकते हैं या कटान बिंदु, इसीलिए अभिष्ट बिंदु बराबर अभिष्ट बिंदु बिंदु बराबर x कोमा y, है ना। तो x कितना सीधा में है देखिए, थ्री के सीधा में है ना, थ्री के सीधा में, तो x का मान कितना है थ्री, है ना थ्री, और y अक्ष में कितना तक जा रहा है देखिए सेवन तक है, है ना, तो इसका सेवन हो जाएगा, यही इसका आंसर। इतना बनाना है दोस्तों, इसमें तीन मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ